हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है, क्वेश्चन नंबर 14, वो करवा रहा हूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन 14 में देखते हैं दिया क्या हुआ है और हमें करना क्या है। दत्तू, दया एंड तारक आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस in the ratio of 4:3:2. Their firm's balance sheet as on 31st March is as under. ये इनका old sharing ratio दिया हुआ है, balance sheet दी हुई है हमें। As on above balance sheet date, partners changed profit loss sharing ratio to 1:1:1. अब partners अपना profit loss sharing ratio, जो new ratio है, वो equal रखना चाहते हैं। And the following revaluation account is prepared for the revaluation of assets and liabilities. देखिए आधा काम आपको इन्होंने करके दे दिया है। Revaluation account already बना कर दिया है आपको। Revaluation account बनाना means आधा काम हो गया है। अब आपको balance sheet में सिर्फ new values लिखनी है। Adjustments देखें क्या है, कुछ बाकी है क्या adjustment में। A claim of 5,000 was against workers' accident compensation fund. Workers का एक 5,000 का claim बाकी है किसके सामने? Accident compensation fund के सामने। From the above information, write journal entries and prepare partners' capital account and balance sheet. So हमें journal entries करनी है, capital account बनाना है और balance sheet बनानी है। That's it. सो आधा सम इन्होंने करके दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्रीज है जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, क्लियर? तो आइए पहले कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में दत्तू की कैपिटल है 1 लाख, दया 50,000 एंड तारक 50,000। ये तीनों की कैपिटल्स हो गए। अब कैपिटल लिखने के बाद मैं नीचे एडजस्टमेंट वाला पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूँ। 5,000 का एक एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम आया है। अब इनके पास एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कितना पड़ा है? तो वो है 23,000 का। 23,000 में से 5,000 का क्लेम है, तो बाकी 18,000 रिजर्व बचा इनके पास। 18,000 का इनका रिजर्व बचा। देखिए वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो है वो है इनके पास 23,000 का, और इसके सामने जो क्लेम आया है इनके पास वो है 5,000 का। सो 23 माइनस 5, 18,000 का जो बैलेंस बचा वो बैलेंस रिजर्व हो जाएगा। तो पहले 5,000 का इफेक्ट क्या होगा? तो ये 5,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे वर्क क्लेम ऑफ वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड का जो क्लेम है वो 5,000 हम यहाँ बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब क्लेम के बाद जो 18,000 रिजर्व बचा, ये रिजर्व हमें तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, अब इनका ओल्ड रेशियो क्या है? सो ओल्ड रेशियो है तीनों पार्टनर्स का 4:3:2। 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 18,000 को इंटू 4 डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। ये बाकी बचा हुआ रिजर्व है। सो पॉइंट हमारा लास्ट लेक्चर में भी हम ये पॉइंट अच्छे से कर आए हैं। सो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स हमेशा सीक्वेंस में देखने हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
23,000 का इनके पास रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है एक्सीडेंट के लिए, किसी एक वर्कर ने 5,000 का क्लेम किया है। अब अगर 5,000 उसको दे भी देते हैं तो भी 18,000 रुपीस एक्स्ट्रा बचेंगे जो इनका रिजर्व है, जो इनका रिजर्व पैसा है। ये रिजर्व पैसा तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया तो ये तो हमारा एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पर पूरा। अब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में आ जाते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ पर आपको क्या लिख देना है ऊपर, यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस के लिए लिख देना है असेट्स इंक्रीज होंगे और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी। तो क्रेडिट साइड आते हैं, अगर असेट्स डिक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये डेबिट साइड आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। नाउ यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स होते हैं और 10,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब असेट्स 10,000 इंक्रीज हो गए, असेट्स 10,000 इंक्रीज हो गए। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है 90,000। ओल्ड वैल्यू 90,000 है एंड 10,000 इंक्रीज हो गए तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो न्यू वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़, 90,000 प्लस 10,000। नाउ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है और 6,000 क्रेडिट में लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है तो लिखते हैं, और क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड लिखे हुए हैं दैट मीन्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है 6,000। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 50,000 और 50 में से 6,000 रिड्यूस हो गए तो बाकी का बैलेंस 44,000। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 माइनस 6,000 54,000। ये 50 मैंने बैलेंस शीट में से लिया और 6,000 जो रिड्यूस हुए हैं वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में से लिए हैं। नेक्स्ट इज इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीव होनी बाकी है, ये हमारे लिए असेट्स होते हैं, आप फाइनल अकाउंट्स में भी करके आए हो। इनकम्स रिसीव्ड होना बाकी है तो ये हमारे लिए असेट्स हैं। सो असेट्स हैं तो बैलेंस शीट में असेट्स में लिखेंगे 3,000 इनकम रिसीवेबल। इसका मतलब है कि इससे पहले जो हमने सम किए थे उसमें इन्होंने एडजस्टमेंट दिए थे हमें, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन उन एडजस्टमेंट्स में से जो इफ़ेक्ट रिवॉल्यूशन में होना चाहिए वो करके दिया है, जो इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में होना चाहिए वो आपको करना है। क्या आपको ध्यान रखना है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है तो इन्होंने रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको बना के दिया है, अब बैलेंस शीट में इफ़ेक्ट आपको खुद करना है। तो आप कैसे कर रहे हो, ओल्ड वैल्यू 90,000 इंक्रीज 10,000 न्यू वैल्यू 1,00,000, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट आप कर रहे हो, रिवॉल्यूशन इन्होंने आपको बना के दिया है। ये लॉस है तीनों पार्टनर्स का, आगे रिवॉल्यूशन में लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो ये रहा रिवॉल्यूशन में लॉस 18,000, 13,500 एंड 9,000। ये तीनों पार्टनर्स का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे। सो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड के सारे पॉइंट्स पूरे हो गए। अब हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड के सारे पॉइंट्स पूरे करने हैं। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट 35,000। मशीनरी अकाउंट 35,000 मशीन्स लिखे हुए हैं, मशीन्स एसेट्स होते हैं हमारे, और डेबिट साइड लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि एसेट्स डिक्रीज हुए होंगे। तो मशीन की वैल्यू इधर देखो कितनी दी हुई है ऊपर 80,000, 80 में से 35 माइनस कर दो रिड्यूस हो गए, सो 80,000 माइनस 35,000 तो आंसर आएगा 45,000।
सो मशीन का न्यू वैल्यू हो जाएगा 45,000। ये मैंने कैसे किया, 80,000 बैलेंस शीट में से वैल्यू ली, माइनस 35,000 रिवॉल्यूशन में रिड्यूस हुई है वैल्यू मशीन की, सो 80 माइनस 35, सो आंसर आ जाएगा 45,000। ठीक है, देन फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 5,000, फर्नीचर की वैल्यू भी रिड्यूस हुई है क्योंकि फर्नीचर एसेट्स हैं और डेबिट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स वैल्यू रिड्यूस हुई है 5,000। सो फर्नीचर में 20,000 माइनस 5,000, ये 20,000 आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है, माइनस 5,000 रिवॉल्यूशन में डिक्रीज हुई, 20 माइनस 5 15,000 वैल्यू हो गई फर्नीचर की। इन्वेस्टमेंट 3,000, सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 15 माइनस 3,000, सो न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में हो जाएगी 12,000। बैड डेट रिजर्व 10,000। अब यहां पर देखिए बैड डेट रिजर्व कितना दिया हुआ है, 6,000, 6,000 और 10,000 और दिया हुआ है, तो बैड डेट रिजर्व के इफेक्ट क्या होते हैं, एसेट्स में से माइनस हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए डेटर्स, मैंने डेटर्स लिखे हैं 80,000 माइनस बैड डेट्स 4,000, 76,000, यहां तक तो सेम लिख दिया है मैंने, क्लियर। नाउ बैड डेट्स रिजर्व 6 यहां पर दिया हुआ है ओल्ड वैल्यू, और न्यू बैड डेट्स रिजर्व 10,000 दिया हुआ है, सो 6 प्लस 10 16,000 BDR हो गया, और फाइनली डेटर्स जो हैं वो 60 हो गए। और यहाँ देखिए डेटर्स की ओल्ड वैल्यू 70 है, न्यू वैल्यू 60 है, दैट मीन्स 10,000 जो रिड्यूस हुए हैं वो यहाँ पर रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड लिखे हुए हैं। सो एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ पर 70 थे अब 60 हो गए, जो 10,000 का रिडक्शन हुआ वो हमने रिवॉल्यूशन में डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट इज स्टॉक 3,000, इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू 3,000 रिड्यूस हो गई है, तो स्टॉक की ओल्ड वैल्यू जो है वो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है 15,000, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड मीन्स एसेट्स डिक्रीज हो गए 3,000, सो 15 माइनस 3 12,000 फाइनली आउटर कॉलम लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पर लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आते हैं 2,000। एंड लास्ट पॉइंट बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 1,500। अब जो वैल्यूज चेंज हुए हैं वो हमने लिख दिए, जो वैल्यूज चेंज नहीं हुए हैं वो सेम वैल्यू पर रखेंगे। तो आप एसेट साइड देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल 5,000, बिल्स रिसीवेबल का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सो बिल्स रिसीवेबल सेम वैल्यू के साथ लिखेंगे 5,000। स्टॉक हो गया, कैश बैलेंस नहीं हुआ है, सो कैश बैलेंस सेम वैल्यू 55,000। अब आपको एसेट साइड ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये लॉस है, ये लॉस है। अब ये आज रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आज का जितना भी लॉस होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2, सो 27,000 को 4:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फोर
3 and 2, that means 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9, तो डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, सो 27,000 इंटू 4 बाय 9, तो ये आंसर आ जाएगा 12,000, देन 27,000 इंटू 3 बाय 9, तो ये आंसर आ जाएगा 9,000, एंड 27,000 इंटू 2 बाय 9, तो ये आंसर आ जाएगा 6,000। तो ये जो लॉस है 12,000, ये लॉस है दत्तू का दया, सो दत्तू 12,000, दया 9,000, एंड तारक का जो लॉस हो जाएगा वो होगा 6,000। अब ये लॉस है तो लॉस इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 12,000, 9,000 एंड 6,000। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 12,000, 9,000 एंड 6,000 हमने डेबिट कर दिया। ये है लॉस। अब आइए लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। कैपिटल ऑलरेडी हो चुका है, रिजर्व, जनरल रिजर्व 36,000। सो जनरल रिजर्व जो 36,000 है, इस जनरल रिजर्व को भी हम इसी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ठीक है। सेम आप जनरल रिजर्व भी इसी के जैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जनरल रिजर्व 36,000 है और उस 36,000 को हम तीनों पार्टनर्स में इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 4 बाय 9, 3 बाय 9 एंड 2 बाय 9। अब 36,000 को 4 बाय 9 करेंगे तो आंसर आएगा 16,000, 3 बाय 9 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12,000, 2 बाय 9 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8,000। ये जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो ये रहा दत्तू, दया एंड तारक 16,000, 12,000 एंड 8,000। जनरल रिजर्व हो गया, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हो गया, 9% बैंक लोन, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सेम वैल्यू हम लायबिलिटी में रख देंगे, 9% बैंक लोन 40,000। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल 20,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। सो 8 + 1,500, 9,500 हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे एडजस्टमेंट्स भी हो गए, सारे पॉइंट्स भी हो गए, और जो पॉइंट्स बाकी थे वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए, सेम वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिए। अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और कैपिटल अकाउंट में पहले मैं दत्तू का टोटल कर रहा हूँ। सो दत्तू का टोटल आया है 1,24,000, सेम वैल्यू 1,24,000। अब बैलेंस लिखेंगे हम यहाँ पर, तो बैलेंस आ रहा है दत्तू का टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस है 124 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो 94,000। सेम हमें दया एंड तारक के भी बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं। सो दया एंड तारक के बैलेंसेस कैलकुलेट किए तो वो आया 45,500 एंड 47,000। ये पार्टनर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो हम बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और तीनों का 94,000, 45,500 एंड 47,000 तीनों के बैलेंसेस हमने ट्रांसफ़र कर दिए बैलेंस शीट में। अब हम फाइनली टोटल कर रहे हैं। सो टोटल में एसेट साइड टोटल हुआ 3,07,000, लायबिलिटी साइड टोटल हुआ 3,07,000। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गया। तो ये था हमारा बैलेंस शीट और ये हमारे कैपिटल अकाउंट।
अब इसकी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। ऑलरेडी मैंने आगे वाले सारे सम्स की जर्नल एंट्री आपको एक्सप्लेन की है, ये आप नोट डाउन करोगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सारी जर्नल एंट्रीज डिटेल में की हुई है, यहाँ नरेशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको एग्ज़ाम में नरेशन लिखना है, कंपल्सरी लिखना है। अगर एग्ज़ाम में आपको बोल रहे हैं कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर आप नहीं लिखोगे, ठीक है। सो नाउ मैं हर एक पेज पर 5 सेकंड्स का ब्रेक लूँगा और यहाँ पर आपको नोट डाउन करने के लिए या स्क्रीनशॉट निकालने के लिए टाइम दूँगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। इसके साथ हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो ये हमारा आज चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ, मैंने सारे सम्स आपको करवाए हैं। अब आज के होमवर्क में, सो होमवर्क में आपको कौन कौन से सम्स करने हैं रिकंस्ट्रक्शन में से वो एक बार देख लेते हैं। चलिए नोट डाउन करते जाइए। रिकंस्ट्रक्शन में आपको इलस्ट्रेशन 12 करना है, ये सेम इसके जैसा है जो हमने अभी किया है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बना कर दिया है आपको, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 होमवर्क में करना है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये भी होमवर्क में करोगे। इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 11, टेन तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था मुझे याद है, एंड नाइन इलेवन एंड ट्वेल्व ये आप होमवर्क में करोगे। आपका होमवर्क होगा इलस्ट्रेशन 9, 11 एंड 12 रिकंस्ट्रक्शन का होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।